इस वीडियो में हम ट्यूपल्स के बारे में सीखेंगे। ट्यूपल्स हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें मल्टीपल आइटम्स एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर करना होता है। ट्यूपल्स ऑर्डर्ड होते हैं और अनचेंजेबल होते हैं। तो हम एक नंबर नाम का ट्यूपल बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एडिटर में नंबर इज इक्वल टू पैरेंथेसिस के अंदर ट्यूपल्स लिखते हैं। तो ये 1 2 3 हमारा हो गया। ट्यूपल के अंदर प्रिंट करते हैं नंबर्स को, तो हम जैसे प्रिंट करेंगे तो ये ट्यूपल प्रिंट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम एम्प्टी ट्यूपल भी बना सकते हैं, नंबर्स इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा एम्प्टी ट्यूपल। उसके बाद मान लीजिए मैं 1 कॉमा डाल देता हूँ, ये पैरेंथेसिस हटा देता हूँ, तो भी ये बाय डिफॉल्ट ट्यूपल्स के अंदर ही आ जाएगा। देखिए जैसे मैंने निकाला 1 कॉमा भी उसके अंदर आ गया, तो इसको मैं हटा देता हूँ। उसके बाद मैं एक रैंडम ट्यूपल बना रहा हूँ, रैंडम ट्यूपल बनाते हैं, रैंडम ट्यूपल बनाया अपन ने। और रैंडम ट्यूपल में मैंने वैल्यूज डाल दी, एक स्ट्रिंग एक डाल दिया 1, एक डाल देते हैं एक और ट्यूपल 1.2, और एक डाल देते हैं यू, तो ये 4 वैल्यूज हो गई। तो हम प्रिंट करेंगे रैंडम ट्यूपल, तो हमारा वो रैंडम ट्यूपल प्रिंट हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 4 आइटम दिखा रहे हैं। तो हम ट्यूपल से थोड़ी स्लाइजिंग कर लेते हैं, जैसे आपने लिस्ट के ट्यूटोरियल में भी करा था। तो रैंडम ट्यूपल उसके अंदर डाल देता हूँ इसमें -2, देखते क्या आता है। ये देखिए पीछे से 2 दिखा रहा है वैल्यूज। तो इसी प्रकार से हम इसको थोड़ा कॉपी पेस्ट करके और वैल्यूज डाल के देखते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको 2 कर देता हूँ और देखते क्या आउटपुट आता है। तो देखिए ये लगभग सेम वैल्यू दिखा रहा है। यहाँ पे एक और करके देखते हैं 2 को साइड, अब देखते हैं क्या आता है। तो देखिए हे और 1 प्रिंट कर रहा है ये। अब हम प्रिंट करते हैं -3, देखते क्या आउटपुट आता है। तो आप देख सकते हैं यू 1.2 और 1 दिखा रहा है ये। अब प्रिंट करेंगे 1 से 4 तक, 1 से 4 कर देते हैं, तो ये 3 तक की वैल्यू ले लेगा। तो ये आ गया ये 1, 2 और ये 3, तो ये इसे 3 तक प्रिंट कर दिया। तो होगी थोड़ी सी स्लाइजिंग। स्लाइजिंग के बाद हम एक ट्यूपल कंस्ट्रक्टर के बारे में सीखेंगे। कंस्ट्रक्टर क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ नंबर्स इज इक्वल टू ट्यूपल, ये हमने डाल दिया और एक ये बना दिया। तो ये ट्यूपल नाम का बन जाएगा हमारा, जैसे 1.2 इसके अंदर भी डाल दिया मैंने। अब प्रिंट करते हैं नंबर्स को, तो आप देख सकते हैं 1.2 जो है ये ट्यूपल के अंदर आ जाएगा, ये देखिए लास्ट में। तो ये हमारा ट्यूपल कंस्ट्रक्टर हो गया। अब हम एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये 2 हो गया, अब हम इसको कंकैटिनेट कर सकते हैं। तो कंकैटिनेट कैसे करेंगे, प्रिंट करेंगे और नंबर्स प्लस रैंडम नंबर्स, रैंडम ट्यूपल ट्यूपल, तो ये दोनों कंकैटिनेट हो जाएंगे। ये वैल्यू 1.2 और फिर जो ऊपर वाली रैंडम वैल्यू थी वो भी इसमें आ गई है। तो कंकैटिनेशन का कॉन्सेप्ट था। अब हम चाहे तो इसमें डिलीट का यूज भी कर सकते हैं, डिलीट डेल से। तो जैसे मैं बनाता हूँ ये नंबर्स को, जो मैं नंबर्स या ट्यूपल्स डाला है तो इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। डेल लिखूंगा और नंबर्स लिखूंगा तो डिलीट हो जाएगा नंबर्स। अब नंबर्स की वैल्यू 0 हो चुकी है, तो अब एक नया बनाते हैं नंबर्स इज इक्वल टू 1.2.3.4.5.6.7, ये 7 वैल्यूज मैंने ले लिए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें कुछ ऐड कर दूँ, जैसे कि 3 की वैल्यू, ये जो 3 वैल्यू है उसको मैं चेंज करके 100 करना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा मैं नंबर्स और ये थर्ड वैल्यू जो है यानी कि 2, इसको मैं 100 करना चाहता हूँ, पर ये नहीं हो पाएगी क्योंकि ट्यूपल हमेशा अनचेंजेबल होता है, इम्यूटेबल होता है, तो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है वो। तो आप जैसे प्रिंट करेंगे अब नंबर्स को तो ये एरर दे देगा, ये बोलेगा नहीं हो सकता है ये। देखिए यहाँ पे डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट।